स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। भारत के साथ साथ देश विदेश के इतिहास में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और अगर हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हर दिन कुछ विशेष घटनाएं घटी है जिसने अपना दर्जा इतिहास में अंकित करा दिया है। वैसे ही 29 मई का दिन यानी आज का दिन भी इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई और इसमें और आज हम उसी घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के बारे में। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं इस खास दिन के बारे में। आज यानी 29 मई का दिन एवरेस्ट के लिए यादगार दिन है। 1953 में इस दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महान पर्वतारोही हिलेरी का वर्ष 2008 में निधन हो गया था। इसके बाद 29 मई को नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की अपील की, जिसे मान लिया गया। एवरेस्ट पर चढ़ना तो आज भी आसान नहीं है, जबकि कई तरीके की तकनीक आ चुकी है। पर्वतारोही कहीं ज्यादा सुरक्षित उपकरणों से लैस होने लगे हैं। सोचिए 63 साल पहले जब हिलेरी और नोर्गे ने ये काम किया होगा तो ये कितना कठिन रहा होगा। एवरेस्ट की चोटियां हमेशा से ही दुर्गम रही हैं और बर्फ से ढकी रहती हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने तमाम मुश्किलों के बाद खुद को एवरेस्ट तक पहुंचाया। तब ये असंभव माना जाता था, उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। बाद में हिलेरी को ब्रिटेन की महारानी ने नाइट की उपाधि दी। सन 1953 में सर जॉन हंट के नेतृत्व में दुनिया के 20 बेहतरीन पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने चल दिए थे, जिसमें हिलेरी और नोर्गे भी शामिल थे। इससे पहले 63 देशों के 1200 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया था। एडमंड हिलेरी खुद इससे पहले 2 बार कोशिश कर चुके थे और नाकाम रहे थे। तब हिलेरी ने हिमालय की तरफ देखकर कहा था, मैं फिर आऊंगा, तुम उस वक्त भी इतने ही ऊंचे रहोगे, पर मेरा हौसला पहले से कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। हिलेरी का साथ जिम तेंजिंग ने दिया। वो उस टीम में पर्वतारोहण के काम में सबसे माहिर शख्स थे। मार्च 1953 में 25,900 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप तैयार कर दिया गया। 26 मई को जॉन हंट ने बाउंड्रिलियन और इवंस को पहले दल के रूप में चढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन इवंस का ऑक्सीजन सिस्टम रास्ते में ही फेल हो गया, जिस कारण दोनों वापस लौट आए। फिर दूसरी टीम के रूप में हिलेरी और तेंजिंग को भेजा गया। उस समय ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। उन दोनों को दक्षिण हिस्से तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने इतिहास रच दिया। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के बाद अब हम बात करेंगे रामानंद चटर्जी के बारे में। आज ही के दिन भारतीय पत्रकारिता का जनक माने जाने वाले रामानंद चटर्जी का जन्म हुआ था, तो चलिए जानते हैं रामानंद चटर्जी के बारे में। बंगाल विभाजन के समय देश की राजनीति से खुद को अलग न रख पाने वाले रामानंद चटर्जी का आज जन्मदिन है। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रवासी बंगाल भाषा तथा विशाल भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली। मॉडर्न रिव्यू की गिनती अंग्रेजी संसार के आधे दर्जन श्रेष्ठ पत्रों में होती है। रामानंद चटर्जी पत्रिका के एक पुरोगामी शख्सियत थे। रामानंद चटर्जी का जन्म 29 मई 1865 पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता और बाकुंडा से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। वह एक मेधावी छात्र थे। रामानंद 1887 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिटी कॉलेज में प्राध्यापक बने। इसी दौरान वह केशव चंद के संपर्क में आए और ब्रह्म समाजी हो गए।
साथ ही वह आचार्य जगदीश चंद्र बोस तथा शिवनाथ शास्त्री से अत्यंत प्रभावित थे। वह सिटी कॉलेज में 8 साल की नौकरी के बाद 1895 से 1906 तक इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में प्रिंसिपल के पद पर तैनात रहे। इस कॉलेज से कायस्थ समाचार नाम का एक उर्दू पत्र प्रकाशित होता था, जिसके संपादन का भार रमानंद चटर्जी के ऊपर था। रमानंद ने कायस्थ समाचार शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से इसे उर्दू से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 1901 में इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष के सहयोग से प्रवासी बांग्ला मासिक पत्र निकाला। इस समय कुछ मतभेद के कारण रमानंद को कॉलेज से इस्तीफा देकर कलकत्ता वापस आना पड़ा। उन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के सभापतित्व का नेतृत्व किया। रमानंद चटर्जी ने 50 वर्षों तक सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया। रमानंद चटर्जी 1907 में प्रयाग से मॉडर्न रिव्यू नाम की पत्रिका प्रकाशित की। मॉडर्न रिव्यू के कुछ अंक ने ही देश विदेश में अपना प्रभाव फैला दिया। कई प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लेखक मॉडर्न रिव्यू में लेख लिखने में अपना गौरव मानते थे। रमानंद ने ही सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली अंग्रेजी रचना मॉडर्न रिव्यू में ही प्रकाशित हुई थी। पत्रिका के प्रभाव को देखकर तथा उनकी आलोचनाओं से विचलित होकर यूपी सरकार ने उन्हें प्रयाग छोड़ने का आदेश दे दिया। 1926 में राष्ट्र संघ की बैठक में उपस्थित होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। इस बैठक में चटर्जी अपने खर्चे से 1926 में जेनेवा गए। साथ ही उन्होंने कुछ देशों का भ्रमण किया। उन्होंने सरकारी खर्च से यात्रा करने से इसलिए इनकार कर दिया ताकि उनके स्पष्ट और निर्भीक विचारों पर किसी प्रकार की आर्थिक दबाव की आंच न आने पाए। अमेरिका के पादरी जेटी संडरलैंड की पुस्तक इंडिया इन बॉन्डेज को मॉडर्न रिव्यू में धारावाहिक के रूप में, बाद में प्रवासी प्रेस से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। गौरतलब है कि यह पुस्तक जब्त कर ली गई और रमानंद को पुस्तक के प्रकाशन के लिए दंडित होना पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार और मेजर वामनदास वसु के ऐतिहासिक शोध विषयक लेख मॉडर्न रिव्यू में छपे। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका की गिनती अंग्रेजी भाषा के आधे दर्जन श्रेष्ठ पत्रों में की जाती है। वहीं इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1943 को हो गई। थे रामानंद चटर्जी। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज कपूर के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं पृथ्वीराज कपूर के बारे में। पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा जगत और भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें भारतीय जननाट्य संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का भी गौरव हासिल है। पृथ्वीराज ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। इन्हीं से कपूर खानदान की भी शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में होती है। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज ने पेशावर पाकिस्तान के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एक साल तक कानून की भी शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उनका थिएटर की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1928 में उनका मुंबई आगमन हुआ। कुछ एक मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलमारा में मुख्य भूमिका निभाई। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश की राजधानी पेशावर के विश्वेश्वर नाथ में हुआ था।
उनकी आरंभिक शिक्षा समुद्री नामक कस्बे में हुई, जहां उनके पिता तहसीलदार थे। नाटकों में अभिनय करने की रुचि उनमें प्रारंभ से थी। 1927 में पृथ्वीराज ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में से बीए किया और कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर गए। कला, साहित्य, सौंदर्य और फैशन की नगरी लाहौर में रहकर पृथ्वीराज का आकर्षण फिल्म तथा अभिनय में अधिक मुखर हो गया। परिणाम निकला कि वह 1929 में कानून की परीक्षा में असफल रहे। इसी वर्ष सितंबर को वे फिल्मों की अघोषित राजधानी बंबई चले आए और आर्देशर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी में भर्ती हो गए। वह जमाना मूक फिल्मों का था। चैलेंज नाम की एक मूक फिल्म में उन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के काम किया, किंतु दूसरी फिल्म सिनेमा गर्ल के लिए उन्हें 70 रुपए का पारिश्रमिक मिला। 1930 तक आते आते मूक फिल्मों का युग समाप्त हुआ और बोलती फिल्में चल पड़ी। 1931 में आर्देशन ईरानी ने अपनी पहली सवाक फिल्म आलमारा बनाई तो पृथ्वीराज को इसमें खलनायक का रोल मिला। 1932 में पृथ्वीराज ने एंडरसन थिएटर कंपनीज ज्वाइन कर ली और इसकी टोली के साथ देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इस कंपनी में रहकर कपूर का नाटकों में अभिनय करने का शौक अवश्य पूरा हुआ। एंडरसन कंपनी बंद हो गई तो पृथ्वीराज कलकत्ता के बीएन सरकार द्वारा स्थापित न्यू थिएटर कंपनी में आ गए। यहां उन्हें नायक के रूप में अनेक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में पृथ्वी थिएटर हिंदुस्तान का पहला व्यवसायी थिएटर की स्थापना की। 16 वर्षों की अवधि में पृथ्वी थिएटर ने कुछ 2662 शो दिखाए। थिएटर के हर शो में पृथ्वीराज कपूर ने प्रमुख भूमिका निभाई। पृथ्वी थिएटर ने रमानंद सागर, शंकर जयकिशन तथा राम गांगुली जैसे कई महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं प्रस्तुत की। ये महान अभिनेता थिएटर और फिल्मों दोनों में सफल रहे। उनकी प्रमुख फिल्में वी शांताराम की दहेज, राज कपूर की आवारा, आसमान महल, तीन बहुरानिया, कल आज और कल और पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है आदि शामिल है। उन्होंने पैसा नाम की फिल्म का निर्देशन करते हुए अपनी आवाज खो दी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी थिएटर बंद हो गया और उन्होंने फिल्मों को करना छोड़ दिया। इसी दौरान पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरीश चंद, तारामती, सिकंदर आजम, आसमां महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। वर्ष 1960 में प्रदर्शित के आसिफ के मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमां महल में पृथ्वीराज ने अपने सिने कैरियर की एक और न भूलने वाली भूमिका निभाई। इसके बाद 1968 में प्रदर्शित फिल्म तीन बहुरानियों में पृथ्वीराज ने परिवार के मुखिया के रूप में भूमिका निभाई, जो अपनी बहुरानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ ही अपने पुत्र रणधीर कपूर की फिल्म आज कल और कल में भी पृथ्वीराज कपूर ने यादगार भूमिका निभाई। वर्ष 1969 में पृथ्वीराज कपूर ने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है में अभिनय किया। वही 29 मई 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। थे पृथ्वीराज कपूर। अब हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चढ़िए आप कुछ हो जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए साथ। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। इस पद को उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल महज 7 महीने का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश के किसान भाइयों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकार के लिए अथक प्रयास किए। इन्होंने देश की आजादी में भी अपना अहम योगदान दिया। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने देश की राजनीति को दिया।
इन्होंने राजनीति को करीब से जाना और समझा था। चौधरी चरण सिंह का जन्म जाट परिवार में 23 दिसंबर सन 1902 को मेरठ में हुआ था। इनके पिता किसान थे जो अत्यंत गरीब थे। इनके व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद इन्होंने पढ़ाई को पहला दर्जा दिया। इनके परिवार का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से था। इनके पिता के अध्ययन में काफी रुचि थी, इसलिए इनका भी काफी झुकाव रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर ग्राम से ही हुई एवं मैट्रिक इन्होंने मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय से किया। 1923 में यह विज्ञान के स्नातक हुए। दो वर्षों बाद 1925 में कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वकील की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गाजियाबाद में वकालत का कार्यभार संभाला। इनका विवाह गायत्री देवी से हुआ। 1929 में चरण सिंह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम इन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस का गठन किया। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया था एवं डांडी मार्च में भी भाग लिया। इस दौरान इन्हें 6 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी जी की छाया में खुद को स्वतंत्रता की आंधी का हिस्सा बनाया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में भी वह जेल गए और उसके बाद 1941 को बाहर आए। फरवरी में 1937 में इन्हें विधानसभा के लिए चुना गया। 31 मार्च 1938 में इन्होंने कृषि उत्पाद बाजार विधेयक पास किया। यह विधेयक किसानों के हित में था। यह विधेयक सर्वप्रथम 1940 में पंजाब द्वारा अपनाया गया। आजादी के बाद चरण सिंह 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने। वह किसानों के हित में काम करते रहे। इन्होंने 1952 में जमींदार उन्मूलन विधेयक पारित किया। इस विधेयक के कारण 27,000 पटवारियों ने त्याग पत्र दे दिया, जिन्हें इन्होंने निडरता से स्वीकार किया। वह किसानों को पटवारियों के आतंक वातावरण से आजाद कराया। वहीं स्वयं ने लेखपाल के पद का भार संभाला और नए पटवारी नियुक्त किए, जिसमें 18% हरिजनों के लिए आरक्षित किया गया। चरण सिंह व जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं कार्यप्रणाली में काफी मतभेद था, जिसके चलते इन दोनों में कई बार टकराव हुए। चरण सिंह नेहरू की आर्थिक नीति के आलोचक थे। चरण सिंह ने इस मतभेद के चलते 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। राजनारायण एवं राम मनोहर लोहिया के साथ नई पार्टी का गठन किया, जिसका चिन्ह हल्दार था। इसके बाद कई कांग्रेस विरोधी नेताओं को 1970 व 1975 में जेल में बंद कराया गया। 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी के लगभग सभी विरोधी नेता जेल में थे। इन नेताओं ने जनता पार्टी के लिए जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद चौधरी चरण सिंह एक वरिष्ठ नेता के रूप में सत्ता में आए। मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में चरण सिंह उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री रहे। इसी शासन के दौरान चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद बढ़ गए। इसके बाद चरण सिंह ने बगावत कर दी व जनता दल पार्टी छोड़ दी, जिससे मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। कांग्रेस व दूसरी पार्टी के समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इस समय इन्हें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ समझौता कर उन्होंने शासन किया, पर कुछ वक्त बाद 19 अगस्त 1989 में इंदिरा ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन के लिए इंदिरा ने शर्त रखी कि उनकी पार्टी और उनके खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। पर चरण सिंह ने शर्त को मानना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध माना, इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और सिद्धांतों के विरुद्ध न जाकर समर्थन न मिलने से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह किसानों के लिए एक मसीहा के तरह थे।
इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान किया। भारत की भूमि हमेशा से ही कृषि प्रधान रही है। कृषकों के प्रति प्रेम में चरण सिंह को इतना सम्मान दिया कि इन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इनका जीवन सादगीपूर्ण एवं सिद्धांतवादी रहा। यह भी गांधीवादी विचारधारा के नेता थे जिन्होंने इस विचारधारा को जीवन पर्यंत संजोया। गांधीवादी नेता ने बाद में जब कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाई थी तब गांधी टोपी का त्याग कर दिया, पर चरण सिंह ने उसे जीवन भर धारण किया। गांधी जी ने भी किसानों को भारत का सरताज कहा था। आजादी के बाद चरण सिंह ही ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों का जीवन सुधारा। 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी पत्नी गायत्री देवी और इनके 5 बच्चे थे। इनके पूर्वज राजनाहर सिंह 1857 की क्रांति में भागीदार थे। इस तरह देश प्रेम चरण सिंह के स्वभाव में व्याप्त था। इनकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी और वहीं इन्होंने कई पुस्तकें भी इसी भाषा में लिखी थी।